ते दोस्तों, आई होप आप सब ठीक होंगे। मेरे नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ कढ़ाई चिकन। तो देखो मैं कैसे बनाती हूँ, किस तरीके से बनाती हूँ, देखते रहना। देखो दोस्तों, मैंने कढ़ाई, मेरा तेल गरम हो रखा था। अब डालूँगी प्याज। डल गया मेरे प्याज। प्याज जब तक ब्राउन होंगे तब तक पकाएंगे। मैं डाल दूँ नमक, प्याज ब्राउन हो के जल्दी पक जाए, ब्राउन हो जाए। स्वाद अनुसार नमक। थोड़ा थोड़ा कर अच्छे पक जाकर सुनहरे कलर तक होने लगे। देखो अब डाले मैंने टमाटर, दो टमाटर काट के डाले, दो टमाटर डाले हैं। टमाटर को पकने देंगे फिर। देखो गल गए टमाटर। अब डालूँगी हल्दी, मिर्च, लहसुन, अदरक का सब चीज़ का पेस्ट। इसको खूब पकने देंगे, पकने को छोड़ देंगे। टमाटर थोड़े में चले गए हैं, मैं चल देंगे अच्छे से हल्दी से। चम्मच का भी चम्मच को देखो पकने देंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे, तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना। देखो दोस्तों, मसाला पक गया था। अब डालूंगी मैं चिकन। चिकन को खूब फ्राई होने दूंगी। आँच कम कर दी मैंने। देखो प्याज टमाटर मिर्च पक गए थे, उसके बाद में चिकन डालो। चिकन ले उसको खूब फ्राई करूँगी। फ्राई करके मैं रख दूँगी ढक्कन, रख दूँगी थोड़ी देर, मतलब 15-20 मिनट मतलब इसको ऐसे पकने दूँगी। रखूँगी मैं ढक्कन, रखा है मैंने ढक्कन पकने के लिए छोड़ दिया। देखो 15 मिनट बाद देखो मैंने, तो ये देखो अब डाल दिया मैं चिकन मसाला। चिकन मसाला रख दिया मैंने ढक्कन, प्लेट का ढक्कन रख दिया, ढक गया। अब देख मैंने चिकन ने छोड़ दिया। अब डालूंगी मैं गरम पानी, गरम करके रखा था मैंने पानी। डालूंगी गरम पानी। हम चावल के साथ खाएंगे तो मैं उसी हिसाब से बना रही हूँ, आप जिसके साथ खाओगे उसी हिसाब से बनाना। देखो अब इसको 20-25 मिनट तक पकने दूंगी सिम आँच पे पकने दूंगी। देखो 25 मिनट पक गया था चिकन। अब डालने में धनिया, तो चिकन खा जाओ। सॉरी जो दोस्त नहीं खाते उनके लिए नहीं है, आप जो खाते आ जाओ चिकन खा जाओ। धनिया धनिया डाल के देखो चिकन का कलर दिखाती हूँ मैं आपको। देखो ऊपर धनिया गैस।